हेलो दोस्तों दोस्तों मनोहर लाल जी के द्वारा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा कौशल रोजगार निगम को लेकर के की गई है जो पहले रजिस्ट्रेशन को लेकर के एलिजिबल नहीं थे आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे लगाया डू यू हैव एनी पीरियड वर्क एक्सपीरियंस तो इन विभाग में यानी कि कोई भी सरकारी विभाग है और उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो तभी वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है इस प्रकार से जो युवा हैं उनकी जो आशा थी बहुत दिन से वो वेट कर रहे थे कि अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएं लेकिन जैसे ही साइट पर कार्य शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हुआ तो उसके बाद उनकी सारी आशाएँ टूट गई क्योंकि यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यदि आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं कर देते हैं यानी कि आपको नो का ऑप्शन चूज कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से नया एरर आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर इन द साइट तो इसका मतलब ये है यदि आपके पास किसी भी प्रकार का सरकारी विभाग से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है एक्सपीरियंस का तो आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते तो आपके पास अनुभव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसी बात को लेकर के जितने भी बेरोजगार इस योजना का लाभ उठाना चाहते थे जो यहाँ पे कौशल रोजगार निगम के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे उनकी आशाएं टूट चुकी थी शाम के टाइम फिर से एक सी एम के तरफ से सी एम के ऑफिशियल हैंडल से फिर से एक ट्वीट करके बताया गया कि ये प्रथम चरण का जो रजिस्ट्रेशन है वो है इसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ सी एम के तरफ से कहा गया है उसके लिए हम जो हमारे सी एम हैं श्री मनोहर लाल जी उनके ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल एच के आर एन एल डॉट आई टी आई हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन पर प्रथम पर चरण में हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग में कार्य कर चुके उम्मीदवार अपना पंजीकरण कर सकते हैं यानी कि उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे सरकारी विभाग में प्रथम चरण जो यहाँ पे प्रथम चरण दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम चरण दिया गया है जिन्होंने प्रथम चरण में यानी कि ये पहला चरण चल रहा है इसमें जो सरकारी विभाग में कार्य कर चुके हैं उनको प्राथमिकता दी गई है उनका रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता के आधार पे किया जाएगा और इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा यानी कि दूसरा चरण होगा उसमें जो अन्य जो व्यक्ति रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम रोजगार का नया मंच प्रथम चरण में ऐसे सभी व्यक्ति जो हरियाणा में किसी भी सरकारी विभाग निगम बोर्ड विश्वविद्यालय व अन्य सरकारी संस्थान आदि में पहले कभी अनुबंध आधार पर कार्यरत थे परंतु आज कार्यरत नहीं हैं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर तो यहाँ पे जो पहले कार्य कर चुके हैं किसी भी विभाग में हरियाणा के तो वो यहाँ पे रजिस्टर कर पाए और यहां पे आप देख भी सकते हैं पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र पीपीपी संबंधित विभाग से जारी अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तो इनके पास कोई भी जो पत्र है वो सरकारी विभाग से मान्यता प्राप्त इनके पास में होना चाहिए और उनको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है तो अभी आपको वेट कर लेना है जो मेरे भाई निराश हो चुके थे और जो ये सोच रहे थे केवल उन्हीं का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा जिनके पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस उपलब्ध है या विभाग से कोई भी उनके पास प्रमाण पत्र है तो इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों आपको थोड़ा वेट कर लेना है तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और जो युवा वेट कर रहे थे वो थोड़ा और इंतज़ार करें और इसके बाद जैसे ही दूसरा चरण शुरू किया जाता है और फ्रेशर को मौका दिया जाता है तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे तो दोस्तों इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और वेट करना होगा और आने वाले टाइम में कब दोबारा रजिस्ट्रेशन ऐसे फ्रेशर लोगों का होता है तब तक के लिए आपको वेट कर लेना है तो धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम